नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 9 दादी माँ की बगिया के नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ दादी माँ की बगिया पाठ में खाद निर्माण और फल फूल जड़ तथा तना इत्यादि की जानकारी को बताया गया है। इस नवाचार की नवीनता ये है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार इत्यादि की पर्ची के माध्यम से फूलों के नाम, पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। साथ ही शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पहले ही छात्रों को पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात और समाचार आदि की पर्ची को बनाकर लाने के लिए कहा जाता है। पर्ची के दूसरी ओर छात्र अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखेंगे। गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी को भी शिक्षक सुनिश्चित करते हैं और जिन छात्रों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी की जाती है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों और वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पाठ का पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का निर्माण और व्याख्या की जा चुकी हो। गतिविधि कराने से पहले छात्र शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को सजा देते हैं, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता इसमें बनी रहती है। अब गतिविधि को शिक्षक आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं तथा बताते हैं कि आज की गतिविधि का नाम शब्द सागर है। इसके बाद शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं और छात्रों द्वारा पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। इसके बाद एक छात्र आगे आता है और पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में उसे पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। माना पर्ची पर कमल शब्द लिखा है तो वह पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। इस प्रकार बारी बारी से सभी छात्र इस गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ दादी माँ की बगिया से नए नए शब्दों और वाक्यों को जाना व सीखा। इस प्रकार इस नवाचार में शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, फल फूल, जड़, तना, पत्तियों, आकार, रंग, गंध इत्यादि को पहचानना व उनका अवलोकन करके अनुभव करना और सूचना आदि को या दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता विकसित करते हैं। शब्द सागर गतिविधि को जो छात्र शब्द पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें चित्र दिखाकर जानकारी दी जाती है। मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए प्रश्न करना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी छात्रों में समझ विकसित होती है। इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ दादी माँ की बगिया को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारिवारिक संबंधों के जीवन कौशल मूल का विकास होता है। इस प्रकार ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।